दिनेश की ओर चैनल 5 हिंदी पे आपका स्वागत है। कपिल मिश्रा भाजपा के कैंडिडेट दिल्ली में 8 फरवरी के इलेक्शन, और कल उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसके ऊपर बवाल मचा। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया, भाजपा की एक चाल की देश को बांटो, भाजपा की चाल समाज को बांटो, और उनकी अब चाल ये बिल्कुल क्लियर हो गई है, लाइन भी क्लियर है। उनका कहना है कि जो मोदी जी को सपोर्ट करे, सरकार को सपोर्ट करे, भाजपा को सपोर्ट करे, वो देशभक्त, और बाकी सारे देशद्रोही और पाकिस्तानी। ये क्लियर लाइन है, यानी कि इस देश में अब कहा जा रहा है कि आप रहोगे तो हमारे आश्रय, रहोगे तो हमारी दया के ऊपर। कपिल मिश्रा ने कहा कल कि दिल्ली के अंदर 8 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा। इसका मतलब ये था बड़ा क्लियर कि जो व्यक्ति बीजेपी को वोट देंगे वो सारे देशभक्त हैं, और जो व्यक्ति बीजेपी को वोट नहीं देंगे वो सारे के सारे देशद्रोही हैं, पाकिस्तानी हैं। भारत की जनता के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम, इतना बड़ा इसे पाप कह सकते हैं, ये सिर्फ भाजपा कर सकती है। पूरी सोसाइटी को आइदर यू आर हेयर और देयर इसके अंदर बांट दिया इन लोगों ने। हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, सिखों और ईसाइयों में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू सिखों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा क्या देश का बंटवारा चाहती है? चेतन भगत ने अपने एडिटोरियल में लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया में अभी कि इंडिया में गो फॉर सिविल वॉर नाउ। यहाँ हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं जहां पर सिविल वॉर के हालात पैदा हो सकते हैं। हम इन शब्दों का उपयोग नहीं करते, लेकिन चेतन भगत ने किया और टीवी पर इसकी चर्चा हुई है। कपिल मिश्रा वही भाषा बोल रहे हैं। दरअसल अभी कैलाश विजयवर्गीय ने भी कल एक और स्टेटमेंट दिया, बड़ा वियर्ड। वो हमेशा मोटर माउथ है, बेकार बेहुदा स्टेटमेंट देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे घर में जो मजदूर काम कर रहे थे उनके खाना खाने के अंदाज से मैं समझ गया कि सारे के सारे बांग्लादेशी हैं। शर्म आती है हमें ये कहते हुए, डूब मरने वाली बात है कि भाजपा के जो नेता हैं सारे के सारे मोटर माउथ, कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं। बीच में बीजेपी ने दो लाइन अपनाई हुई है। उन्होंने कहा है कि सबको आजादी है बीजेपी में, जितना बुरा आप बोल सकते हो जिसके बारे में बोलो, जितना विभत्स बोल सकते हो बोलो, विक्षिप्त होके बोलो, और खास तौर से जितना बोल सकते हो किसी के बारे में उसका निंदा कर सकते हो करो, और उसके बाद हमसे प्रश्न पूछेगा तो हम कहेंगे ये उसकी पर्सनल विचार है, हमारा बीजेपी की पार्टी का लेना देना कुछ नहीं इससे। ये बीजेपी की एक दोहरी चाल है, दोगली चाल कहा जाए, क्योंकि जिसके पास चाल चरित्र चेहरा खत्म हो जाता है ना, उसका यही हाल होता है। ये अटल जी की भाजपा नहीं है, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भाजपा है, जहां पे सबको आजादी है, जितना मर्जी गंदे मुंह से जो वाक्य बोलने हैं आप बोल सकते हो। कपिल मिश्रा ने हद क्रॉस की और ये कहा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। इसका मतलब अगर बीजेपी को 30% वोट मिले, जो कि उससे ऊपर नहीं मिलेंगे, तो 70% दिल्ली के अंदर, दिल्ली के वासी पाकिस्तानी हैं, देशद्रोही हैं। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? समझना होगा, समझिए इस बात को। यह प्लान क्या है भाजपा का? शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।